नमस्कार, जय हिंद। मेरी आवाज पीछे आ रही है, ज्यादा गूंज रही होगी आवाज, थोड़ा आपको आवाज कम करनी पड़ेगी, साउंड थोड़ा सा उनके तरह नेचुरली लाउड और नॉइस है, बहुत ज्यादा है। शुक्रिया, बहुत बहुत मैं तीसरी दफे इस जगह पर बनारस शहर में, और ज्यादा हर दफे जब आते हैं ज्यादा ही खुशी होती है, और दो दफे ये सेकंड टाइम है विवेक भाई के साथ यहाँ आए। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हम आपके शहर को सेकंड बेस्ट सिटी कहते हैं, क्योंकि हम बेस्ट सिटी से हैं इलाहाबाद के। हम दोनों इलाहाबाद के हैं, इसलिए आपके बिल्कुल पड़ोसी हैं, तो इसलिए सुनना, पहचानना, समझना कुछ ज्यादा ही आसान होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्स मैं, ये जो आपने शुरू किया है दिस होल बिजनेस ऑफ काशी मंथन, इज एन अमेजिंग, ये दिस इज समथिंग विच इज आउट ऑफ माय हार्ट। मैं चाहता था कि किसी ना किसी तरह स्ट्रेटेजिक कल्चर, स्ट्रेटेजिक स्टडीज जो है, ये कैसे दिल्ली से निकालकर और बाकी भारत के अंदर इसको फैलाया जाए, क्योंकि अभी हालत ये है कि हर चीज जो डिस्कस होती है वो सिर्फ दिल्ली में होती है, हर थिंक टैंक जो है वो दिल्ली में है। अब इस प्रयास में है हम लोग सब, और ये काशी मंथन एक, इट हैज बिकम लाइक अ बीकन। अब और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उसको देख कर, आप इसकी शुरुआत की है, हम कोशिश कर रहे हैं कि लखनऊ में करें, इंदौर में करें, पूना में हो चुका है ऑलरेडी, और बड़ौदा में किया है, दिल्ली के अलग गाजियाबाद में भी किया है। तो वी आर होपिंग दैट दिस काइंड ऑफ अ कल्चर कैन एक्सपैंड इनटू अदर सिटीज आल्सो। मैंने दिस सब्जेक्ट टुडे, ऑफ कोर्स इज अ फैसिनेटिंग सब्जेक्ट, इसके ऊपर तो तीन घंटे आदमी बात कर सकता है, वी डोंट वांट टू बोर यू, वी वांट टू अपडेट यू, क्योंकि पिछले साल जब से मैंने बात की थी, अगस्त लास्ट ईयर, और इस साल जब हम लोग मार्च में यहाँ आए, तो उसके बाद से बहुत चीजें हुई हैं पाकिस्तान में इंटरनली। आपको विवेकानंद साहब ने बहुत कुछ समझा दिया, मेरा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाया है मैंने, क्योंकि मैं समझता था कि तस्वीरें देखकर, कुछ लिखकर, कुछ लोग होते हैं उनको जरा रोमांचक लगता है थोड़ा, इट लुक्स नाइस टू सी प्रेजेंटेशन आल्सो, तो आई विल नॉट मेक फुल यूज ऑफ इट कंप्लीटली, क्योंकि इस पर बहुत चीजें लिखी हैं, 10 स्लाइड है, आई विल रश थ्रू देम। कुछ और चीजें हैं जो राजू साहब ने अभी बताई, विच एक्चुअली डिजर्व अ लिटिल एक्सटेंशन, एनालिसिस, कॉमेंट्स एटसेट्रा। मैं आपको बताऊं कि परसों रात को कॉल आया मेरे पास कैनेडा से, और मेरे चचेरे भाई जो है वो थे, उस पर बात कर रहे थे, छोटे हैं उससे, पाकिस्तान के रहने वाले हैं, मगर पाकिस्तान छोड़ के भाग गए कैनेडा। कह रहे थे कि हम आपके सब आर्टिकल पढ़ते हैं, यहाँ फेसबुक पर जितने आपके आर्टिकल हैं उनको हम पढ़ते हैं यहाँ पर कैनेडा। तो मैंने कहा फिर आपको तो बिल्कुल ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि ज्यादातर आर्टिकल तो पाकिस्तान के ही होते हैं। कहते नहीं नहीं नहीं, आपको बड़ा वो होगा कि हम यहाँ पर 8-10 पाकिस्तान के लोग मिलकर आपके आर्टिकल को डिस्कस करते हैं, एंड एक्चुअली वी लाइक इट। जो अच्छे किस्म के लोग हैं, जो जिनके पास मींस टू गेट अवे फ्रॉम देयर, हैव ऑल लेफ्ट पाकिस्तान एंड गॉन अवे, ज्यादातर लोग हैं चले। जो लोग इस इलाके से गए, खासतौर पर बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, ये जो गंगा जमुना तहजीब वाला जो इलाका है, ये पूरा, इसके लोग जो खासतौर पर गए वहां पर, हैव रिग्रेटेड मेकिंग दैट डिसीजन, बिकॉज दे ऑल लुक बैक एट इंडिया एंड सेड दिस इज नॉट चेंज्ड। हम जैसे लोग देखें, मुसलमान जो यहां पर रहे, वी गॉट ऑल द रिकग्निशन दैट वी वांटेड, वी वर्क हार्ड, वी बिकेम अ पार्ट ऑफ इन द होल इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ इंडिया। सो जो आपको बहुत पाकिस्तानी है जो झूठ बोलेंगे, आपको कहेंगे नहीं नहीं पाकिस्तान में देखिए क्या क्या जबरदस्त हुआ है, दिल में अगर आप टटोल के अंदर देखिए, यू दे विल ऑलवेज लुक एट इंडिया विद अ आई ऑफ जेलसी कि कैसे हुआ ये, हाउ डिड इंडिया मैनेज टू मेक दिस मॉडल। तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू ऑलवेज कीप इन माइंड। दूसरी चीज आपको याद रखनी चाहिए कि कुछ देश ऐसे हैं जहां पर फौज गारंटी करती है सेक्युलरिज्म को,
तुर्की है, इजिप्ट है, जहां पर उनकी बड़ी बड़ी फौजें हैं, ये दोनों बहुत बड़ी बड़ी फौजें हैं। इजिप्ट के अंदर जैसे ही 2011-12 में जैसे मुस्लिम ब्रदरहुड पावर में आया और 12 महीने के अंदर मोहम्मद मॉर्सी ने कोशिश की कि इजिप्ट का जो कॉन्सेप्ट है पूरा सेक्युलर कॉन्सेप्ट है उसको बदलकर और रेडिकल कॉन्सेप्ट वहां पर फैलाया जाए, तो द इजिप्शियन आर्मी स्टेप्ड इन और उनको ओवरथ्रो किया। यही गारंटी 100 साल के लिए कमाल अतातुर्क ने दी थी तुर्की। अब तुर्की आर्मी बड़ी कमजोर हो गई है एकदम से, क्योंकि वहां पर एर्दोगान साहब ने कुछ ऐसा अभियान चलाया है जिससे कि वहां रेडिकलिज्म का ज्यादा असर हो रहा है, और क्योंकि यूरोप ने तुर्की को इंटीग्रेट नहीं कर पाया तभी ज्यादा। पाकिस्तान में इसका ऑपोजिट है, द पाकिस्तान आर्मी टुक इट अपॉन इटसेल्फ टू बी द वन टू गो अगेंस्ट द ग्रुप्स। जो कॉन्सेप्ट जो जिना का था, जो बात कर रहे थे अभी राजू साहब, जो जिना का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था ऑफ एक्सेप्टिंग एज दैट वी आर सेक्युलर स्टेट, उसके खिलाफ है। एंड दे रियलाइज दैट द बेस्ट वे ऑफ बैलेंसिंग इंडिया, भारत के खिलाफ जो बैलेंस बना सकते थे वो वुड बी थ्रू एक्चुअली लिंकिंग इटसेल्फ विद द अरब वर्ल्ड। आपको याद होगा जो यहां पिछले दफे थे, आपको मैंने एक मैप दिखाया था और आपको पाकिस्तान दिखाया था, मैंने कहा पाकिस्तान की सरजमीन जो है इट इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक स्पेसेस ऑफ द वर्ल्ड। कोई इसको ये नहीं डिनाई कर सकता कि पाकिस्तान की स्पेस ऐसी है कि जिसके चारों तरफ 5 सिविलाइजेशन है, द चॉइस ऑफ लुकिंग एट 5 डिफरेंट सिविलाइजेशन, भारत, चाइना, सेंट्रल एशिया, पर्शिया, अरब। और पाकिस्तान ने चुना कि हम वी विल लिंक ऑफ विद द अरब वर्ल्ड, क्योंकि इस्लाम जो है, इस्लाम की लिंकेज बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, पाकिस्तान विल बी सीन एज अ लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, हमको सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलेगी इतने देशों की भारत के खिलाफ। एंड दैट इज व्हाई दे चोज टू लिंक देमसेल्फ विद द अरब वर्ल्ड, दैट वाज द फर्स्ट चॉइस दे मेड, बिकॉज़ आफ्टर 1971 ऑल्दो दे गॉट द सपोर्ट फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड एवरीथिंग, they became the pawns in this entire game in Afghanistan. And इन्हीं की जमीन को इस्तेमाल करके अमेरिका ने, सऊदी अरेबिया ने इसी इन्हीं की जमीन के ऊपर जिहादी जो मदरसे थे उनको खोला, वहीं से जो है ये शुरुआत की पूरी जिहाद की, वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल जिहाद, जिहादियों को बुलाकर अमरीकी जो सोवियत यूनियन के साथ लड़ाई लड़ी, 10 साल तक लड़ाई लड़ी, यहां से जड़ जो है दुनिया की, जो आज इस्लामिक रेडिकलिज्म की जो जड़ है वो यहां से शुरू होती है, ऑल फ्रॉम विद इन पाकिस्तान। क्या इमरान खान इसको नए पाकिस्तान में क्या इसको बदल पाएंगे, इस पर बहुत टिप्पणी की है अभी काजू साहब ने भी। मैं आपको ये बताऊं कि जहां तक मेरा ख्याल है इट इज ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबल थिंग फॉर इमरान खान टू डू दिस, बिकॉज़ द पाकिस्तान आर्मी इज सो वेल एम्बेडेड and Pakistan army considers that jab tak that religion jo hai, mazhab jo hai, is one of their force multipliers. Hum fauj mein kehte hain ki force multiplication kaise kare, agar hamare paas 10 aadmi hai hum 10 aadmi ka asar 100 aadmi ka kaise kar sakte hain, it is through various means that we try and make a force multiplication effect. Aur Islam ke zariye Pakistan ki army samajhti hai ki Islam ke zariye force multiplication effect jo hai wo ho sakta hai. क्योंकि डॉक्टर साहब ने इंटरनल अफेयर्स के ऊपर आपका ज्यादा टिप्पणी की है, मैं चाहता था कि टू गेट यू अ कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, आई शुड स्पीक टू यू अ लिटिल मोर ऑन द एक्सटर्नल लिंकेजेस, और मेरा प्रेजेंटेशन कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा है, मैं उसको आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस इट। इट इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन द एक्सटर्नल लिंकेजेस, इट इज फोकस्ड ऑन चाइना अ लॉट, एंड देन कम्स डाउन टू इंडो पाकिस्तान रिलेशंस एंड रिलेटेड टू कश्मीर। लास्टली में भारत को करना क्या चाहिए, भारत को आखिर में हमें व्हाट शुड काइंड ऑफ पॉलिसी, व्हाट कैन बी एक्सपेक्ट विल हैपन इन द नियर फ्यूचर, एंड व्हाट इज द काइंड ऑफ पॉलिसी वी शुड फॉलो। क्या बढ़िया आपने पोस्टर बनाया है भारत को, इसलिए पोस्टर बनते रहे यहां पर, आई एम सो थ्रिल्ड विद इट।
वो बड़े चप्पे पर रहेगा, ये क्या किसने बनाया, ये इतना होता है। थैंक यू। मैंने कहा इसको बहुत जरूरी था, इसको फ्लैश करके आपको दिखाना भी दोबारा। देखिए अगर पाकिस्तान के एक्सटर्नल लिंकेजेस को देखा जाए तो दीज आर द मेजर लिंकेजेस दैट वी आर अपीयर इन फ्रंट ऑफ अस। रशिया के साथ, सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएस, चाइना, भारत के साथ तो है ही, उसको हम अलग से बात करें क्योंकि वक्त की थोड़ी कमी है। तो मैं हर उसके ऊपर एक या दो आपको पॉइंट्स बताता हूं कि रशिया पाकिस्तान पहले कोई नहीं बात करता, ये एकदम से नई चीज आती है क्योंकि रशिया पाकिस्तान की कोई खास रिलेशनशिप ही नहीं थी। मगर आपको देखिए क्या हुआ है, क्योंकि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद सोवियत कैपेबिलिटी जो है एज अ सुपर पावर जो थी वो खत्म हो गई। भारत के पास वो दैट कोल इज नॉट अवेलेबल, व्हाट वाज अवेलेबल टू अस इन 1971, 20 साल की जो इंडो सोवियत ट्रीटी थी वो आज नहीं है हमारे पास। तो वी वर फोर्स्ड टू चेंज आवर अलाइनमेंट टू अ ग्रेट एक्सटेंट, एंड 1991 के बाद अमेरिका के साथ हमारी रिलेशनशिप बनने लगी। 1998 में जब परमाणु हथियार हमने टेस्ट किया तो वो रिलेशनशिप दोबारा टूट गई, मगर बुश सदर बुश के आने के बाद इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई और बहुत सी ऐसी चीजें हुई। द रिकग्निशन ऑफ इंडिया बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एज अ मेजर पावर इन द इंडो पैसिफिक, उस वक्त एशिया पैसिफिक कहते थे, दैट केम अबाउट। रशिया को इसकी फिक्र हुई एंड मैं गया मॉस्को एंड मुझे मालूम है कि शाम के वक्त खाना खाते वक्त इधर उधर अजीब किस्म के सेंटेंसेस बोलते थे हमको रशियंस। दे वुड नॉट क्लियरली टेल अस, पर कहते थे हाँ अब आप लोग तो अमेरिका के साथ हैं, अब तो इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द वेरी वर्ल्ड, हिंट्स दिया। और जितने हमको आर थिंग विद इन रशिया इज कि हमारा ज्यादातर हथियार जो हमने हमारे पास है द सोवियत फैमिली ऑफ वेपन्स इज विद अस, सो वी हैव टू मेंटेन अ रिलेशनशिप विद रशिया। रशिया ने एक बहुत स्मार्ट चीज की, उन्होंने एक छोटा सा इंडिकेटर दिया कि हम अगर आप ज्यादा हमारे साथ नहीं रहेंगे हम पाकिस्तान की तरफ भी जा सकते हैं। कैसे किया ये? चार हेलीकॉप्टर भेजे उन्होंने, चार हेलीकॉप्टर भेजे और एक प्लेटून लेवल एक्सरसाइज की पाकिस्तान के साथ। भारत का एकदम से हमारे कान खड़े हो गए कि भी ये जो हमारी पुरानी रिलेशनशिप थी इसको हम ना खो बैठे। सो दिस इज एन ऑकवर्ड थिंग, बट Let me tell you, Russia is also worried about Pakistan. What is Russia worried about? Two things basically. Russia जानता है कि जो कुछ पाकिस्तान अफगानिस्तान में हो रहा है इसका असर सेंट्रल एशिया पे ना हो, क्योंकि सेंट्रल एशिया उसका सॉफ्ट अंडरबेली है। रशिया के अंदर 11% इस्लामिक पॉपुलेशन है, चेचनिया डेगिस्तान दो इलाके हैं इसके जो जहां पर इस्लामिक पॉपुलेशन है। वो नहीं चाहते कि ये जो सॉफ्ट अंडरबेली है ये जिहादी कल्चर इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी सेंट्रल एशिया में आ जाए, ये नहीं चाहते। इसलिए दे वांट टू कंटिन्यू रिटेनिंग सम काइंड ऑफ अ होल्ड रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। एंड पाकिस्तान फाइंड्स इट ऑफ ग्रेट यूज के इंडिया को ऑक्सर करने के लिए हम रशिया के साथ, क्योंकि अमेरिका हमको नहीं देख रहा है तो हमारी रिलेशनशिप रशिया के साथ। तो जस्ट कीप दैट। सऊदी अरेबिया, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया। ये 1977, 78, 79 के बाद खासतौर पे जब ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ तो क्योंकि सऊदी अरेबिया ने समझा कि ईरानियन रेवोल्यूशन के साथ एशिया वर्ल्ड एशिया इस्लाम जो है कि दुनिया में ना फैल जाए, जरूरी था कि हम इसको बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप करें, क्योंकि पाकिस्तान जो है ईरान का इमीडिएट पड़ोसी है पूर्वी ईस्टर्न वर्ल्ड। तो ये रिलेशनशिप बहुत बड़ी उनके साथ। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया ने पैसा उड़ा दिया, पाकिस्तान का इसका जो इस्लामिक जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसकी कुछ हद तक उसकी फाइनेंसिंग उन्होंने की, जिहाद जो अफगानिस्तान में जिहाद लड़ी वो लड़ी पूरी सऊदी के पैसे से, अमेरिकन हथियार से और सऊदी पैसे के साथ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। आज इस रिलेशनशिप में क्या है, 3 साल पहले पाकिस्तान रिफ्यूज टू सेंड एन आर्मी टू फाइट इन यमन, सऊदी अरेबिया को बड़ा वो लगा, धक्का लगा इससे, कुछ हद तक इधर उधर अनबन हुआ इनके इनके रिलेशनशिप में, अगर वो रिलेशनशिप आज वापस आ गई। क्या हुआ है, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया पाकिस्तान के पास आज 8 से 9 बिलियन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रह गया ओनली, एज अगेंस्ट इंडिया, इंडिया का क्या है 415 बिलियन डॉलर।
$15 billion as against $8.5 to $9 billion. वो भी 8.5 टू 9 बिलियन शायद अगले एक डेढ़ महीने में खत्म हो जाए। तो पैसा चाहिए उनको, अगर उनको जाना है लोन के लिए, बेल आउट के लिए जाना है आईएमएफ के पास, वो अलग चीज है, पूरा सब्जेक्ट बाय इटसेल्फ है। तो दे आर लुकिंग फॉर $9 बिलियन बेल आउट। वो माइक पोम्पियो ने पहले ही कह दिया कि अगर आप बेल आउट के लिए आते हैं तो अपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को पूरा ट्रांसपेरेंटली आप समझाइए पहले हमको कर गया, पैसा कहां से आ रहा है, किस टर्म्स पे आ रहा है। और दूसरा ये $9 बिलियन जो है इसको हम इस्तेमाल नहीं करने देंगे आपको टू पे बैक चाइनाज लोन्स, दैट इज वेरी क्लियर। सऊदी अरेबिया ने इनको क्या कहा कि $4 बिलियन हम आपको दे सकते हैं मगर ओनली इन एनर्जी क्रेडिट्स, के मतलब गैस और पेट्रोल आप ले लीजिए हमसे $4 बिलियन तक के आप हम सपोर्ट कर सकते हैं, बट दे हैवंट गिवन देम एनी कैश कैपिटल। सुना है, ये सुनने में ही आता है कि सऊदी अरेबिया इज लुकिंग फॉर पाकिस्तान टू गिव सम ट्रूप्स टू फाइट इन यमन, क्योंकि यमन की लड़ाई अब 3-3.5 साल हो गए, प्रॉब्लम हो रहा है बहुत। और पाकिस्तान से शायद ये वो गारंटी देंगे सऊदी अरेबिया कि ये ट्रूप्स जो आएंगे ये यमन के अंदर नहीं मगर यमन सऊदी अरेबिया के बॉर्डर के ऊपर से लगे। So this is a very important relationship with Saudi Arabia. Iran, again a very important relationship. Why? Iran is, two things is Iran ki, halanki isko is a subject by itself. Iran ka yaad rakhiye, Iran has a major role in Afghanistan. Shia influence, Nine Party Alliance, Purana, aur Baluchistan, Pakistan ka jo hissa hai, uske andar bhi influence hai, kyunki kuch hissa Baluchistan ka after all is also in Iran. बलूच इलाके ईरान में भी है और कुछ नहीं। तो ईरान के जरिए भारत जो है चबहार के जरिए हमें सपोर्ट मिल रही है टू एंटर इनटू अफगानिस्तान फ्रॉम अ डिफरेंट डायरेक्शन। हमारा एक कंसाइनमेंट वीट का पूरा काबुल तक पहुंच गया है वाया चबहार। सो टू हैव अ कंट्रोल ओवर ऑल दी लिंकेजेस दे वांट टू मेक श्योर कि ईरान के साथ रिलेशनशिप अनबन ना हो, अच्छी रिलेशनशिप बनी है। अमेरिका के साथ तो है ही, बिना अमेरिका के तो यूएस पाकिस्तान को, मगर अमेरिका जो है वो जैसे आपने पहली जनवरी को देखा सदन ट्रंप उठे सुबह तेरे तरफ कन्वर्टली और एक ट्वीट दिया उन्होंने कि ए नेशन विच हैज नॉट सपोर्टेड अस डिस्पाइट हैविंग गिवन $67 बिलियन फॉर सिंस द लास्ट 50-60 ईयर्स। कहा कि मैं हम इतना पैसा कम कर देंगे, अगले दिन जो है रेस्टोर कर दिया। तो दिस हैज बीन अ लव हेट रिलेशनशिप विद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड पाकिस्तान। आपको याद रखना चाहिए सिंपली एक चीज, द यूनाइटेड स्टेट्स कैन नॉट डू विदाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान इज टू इंपॉर्टेंट अ कंट्री फॉर यूनाइटेड स्टेट्स टू जस्ट लीव देम लाइक दैट। ना उसको वो छोड़ सकते हैं कि इट डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ और सेल्फ डिस्ट्रक्ट्स, जैसे राजू साहब ने समझाया कि वो वहां पर ये भी बता रहे हैं कि माइक बोल्टन ने भी ये कह दिया सिंपल कि यू कांट अलाउ अ स्टेट लाइक दिस टू सेल्फ डिस्ट्रक्ट, तो क्या होगा परमाणु हथियारों का क्या होगा। यू कांट एक्सपेक्ट दैट द होल कंट्री इज गोइंग टू गो अप इन आर्म्स एंड ऑल दीस 150 ऑड टैक्टिकल डिफरेंट न्यूक्स आर गोइंग टू फॉल इन द हैंड्स ऑफ जिहादी। अगर जिहादियों के हाथ में 150 न्यूक्स आ गए तो यू कैन इमेजिन दिस इज आर्मगेडन, मतलब दुनिया खत्म वर्चुअली। तो वी आर इन अ वेरी, दैट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन दैट दे आर फेसिंग। And the United States can only coerce Pakistan up to a point. After all, Afghanistan में लड़ने के लिए अमेरिका ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में अपने एयर बेसिस बना के लड़ नहीं सकता है। लड़ना उसको कराची के जरिए, कराची से जब तक तेल नहीं आएगा, पैसा नहीं है, वो बाकी लॉजिस्टिक्स नहीं आएंगे, तब तक अमेरिका कहां लड़ सकता है। चाइना इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर। एक इंटरेस्टिंग चीज चाइना की जो है, जो आप पढ़ रहे होंगे अखबारों में आजकल, चाइना ने सिंकियांग में जिनजियांग जो है विगुरों के खिलाफ, 18 मिलियन विगुर जो है उनके खिलाफ जो इस्लामिक है, ऐसा अभियान चलाया हुआ है कि अगर किसी विगुर ने सुबह 6 बजे से पहले खाना खा लिया तो शायद अरेस्ट हो जाएगा। क्यों? कि शहरी खाइए शायद रोजा रखने वाला है, यहां तक हो गया है। दे वॉन्ट टू मेक श्योर दे सब्जुगेट इस्लाम इन दैट एरिया सो दैट
जिहादिज्म जो है किसी तरह से वहां उभर ना सके। पाकिस्तान का क्या इसका के ऊपर क्या रिस्पॉन्स है? हाफिज सईद से किसी ने नहीं पूछा ये जो चीन कर रहा है जिंजियांग में उसके ऊपर तुम्हारी क्या टिप्पणी है? उसने नहीं पूछा, कहेगा भी क्या? तो व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना पे ऑन द एस्पेक्ट ऑफ इस्लाम? वी वुड लव टू नो दैट एज एन इशू विच इज ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट। बट देयर आर मेनी मोर थिंग्स अबाउट चाइना विच वी वॉन्ट टू लुक एट। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो 46 बिलियन डॉलर का अब 62 बिलियन डॉलर को सुना है कि 80 से 90 बिलियन डॉलर का हो गया है। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें कि किस किस टर्म्स पे दिया है, किस इंटरेस्ट रेट पे दिया है। सुनने में आता है कि 2019 से 4 बिलियन डॉलर हर साल एज डेट सर्विसिंग उसको देना पड़ेगा। जिस देश के पास 8.5 बिलियन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज है वो हर साल अगर 4 बिलियन डॉलर दे दे वापस एक देश को एज पार्ट ऑफ द डेट सर्विसिंग तो उनकी इकोनॉमी का हाल क्या होगा? यू कैन इमेजिन। सो आई वांट से मोर ऑन चाइना, चाइना इंडिया पाकिस्तान का इक्वेशन और चीजों में आ जाएगा। दो तीन और स्लाइड है इसके बाद। अब ये देख, अगर रूम में कोई कहता है कि कल लड़ाई लड़ने वाली होने वाली है और इट्स गोइंग टू बी अ मेजर वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना बेस्ड ऑन डॉकलैम, डॉकलैम में क्या हुआ और पाकिस्तान के साथ क्योंकि LOC और कश्मीर एंड ऑल दिस वी आर गोइंग टू गो हैव गोइंग टू अ पॉसिबल मेजर मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन, कन्वेंशनल मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन हिमालयाज में या रेगिस्तान में या पंजाब में, कोई भी अगर समझता है ये प्लीज थिंक अगेन। मैं आपको अथॉरिटेटिवली कह रहा हूं कोई लड़ाई नहीं होगी। चीन नहीं चाहता आपके साथ लड़ाई, लेट्स लुक एट चाइना। चाइना नहीं चाहता आपके साथ लड़ाई। जिस जो देश 90 बिलियन डॉलर का ट्रेड कर रहा है आपके साथ, जिसकी 70 बिलियन डॉलर उसके फेवर में है, वो देश लड़ना क्यों चाहेगा आपके साथ? वो चाहेगा कि आपको हर वक्त कोर्सिंग करता रहे, आपको समझाता रहे आप जो है नंबर टू है हम नंबर वन। और तरीके होते हैं करने, डॉकलैम एक तरीका था और हिमालयन फ्रंट के ऊपर चीन आपको हर साल, एक साल आपको लद्दाख में करेगा, दूसरा अरुणाचल में करेगा, तीसरा साल डॉकलैम में करेगा, करता रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा आपको अपनी जगह पर रखने के लिए। और दूसरी बात जो समझ ली, उसका डर आपसे हिमालय में नहीं है, उसका डर है पूरा समुद्र में। क्योंकि अगर समुद्र में उसको आप संभाल सके, अगर उसको उसका उसका जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को आप रोक सकें, तो चीन का जो पूरा ट्रेड है, चीन का की जो एनर्जी है वो सब बंद हो जाएगी। चीन की जो इकोनॉमी है आज 6.6% ग्रोथ की इकोनॉमी जो है वो किस पर निर्भर है? 80% एनर्जी जो ईरान, कुवैत, इराक और सऊदी अरेबिया से आती है, और 80% कंटेनर ट्रैफिक जो स्ट्रेट्स ऑफ मलाका से होकर इंडियन ओशन से श्रीलंका के दक्षिण से होकर और जाता है उस पर निर्भर है। इंडियन ओशन का कंट्रोल किसके पास है? सबसे ज्यादा भारत को ऊपर बैठा हुआ है, एक कैप की तरह बैठा हुआ है। क्यों अमेरिका पैसिफिक को पहले एशिया पैसिफिक कहता था, अब क्यों इंडो पैसिफिक कह रहा? और इंडिया को वर्चुअल ओनरशिप दे रहा है इंडियन ओशन की, दिस इज वन वे ऑफ कंटेनिंग चाइना। और चाइना को मालूम है, इसलिए चीन आपको अपनी नेवी को डेवलप नहीं करने देगा। वो चाहेगा कि आप अपने जितना पैसा है डिफेंस का सिर्फ आर्मी में लगाएं, और कहा? हिमालय, हिमालय। और हर साल आपको टिबेटन प्लेटो पे एक्सरसाइज करेगा, दिखाएगा कितने मिसाइल हैं, ये है वो है। पिछले दफे जब मैं यहां था तो काफी तहलका किया था, जब मैंने आपसे कहा कि चीन का एक मिसाइल टारगेट जो है वो मुगल सराय है, बहुत तहलका मचा दिया, अखबार में भी आ गया था। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब को बता ही रहा था कि लास्ट टाइम मैंने ये कहा था यहाँ जो मुगल सराय पॉसिबल स्टेशन टारगेट है। क्यों क्यों है? क्योंकि भारत की इंडियन आर्मी जो है ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट जाने का जो साधन है, जो जंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट जंक्शन है वो मुगल सराय है। ठीक है, तो इसलिए बनारस के यू मस्ट बी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट यू आर चाहता है कि भारत को हेम कर दिया, दबा के रखिए। कैसे?
अबे आप देख रहे हैं नेपाल, देख लीजिए नेपाल के साथ क्या हो रहा है। नेपाल ने आंखें दिखा दी। हमारी एक्सरसाइज जो थी नेपाल के साथ होने वाली थी पुणे में 3 दिन पहले, वो एक्सरसाइज कैंसिल कर दी नेपाल ने, कैंसिल कर दी और क्या कहा कि हम एक्सरसाइज चाइना के साथ चलेंगे। ये चीजें होती है, उसमें क्या हो रहा है, मालदीव मालदीव जो है आंखें दिखा रहा है आपको। आपके पूरा नेबरहुड, जितने आपके पड़ोसी हैं, चीन कोशिश कर रहा है कैसे उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जो है, दाव जो है वो ला पाए। एंड साथ में चाह रहा है कि आप कोई पार्टनरशिप्स में मत जाएं ज्यादा। जैसे ही आपने क्वाड